और अगली खबर श्योपुर से मिल रही है, जहां पर नगर पालिका की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर नगर पालिका कर्मचारियों ने दुकानदार से मारपीट भी की है, दुकानदार से अतिक्रमण हटाने के लिए मारपीट की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, श्योपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्योपुर से तस्वीरें, जहां पर नगर पालिका की गुंडागर्दी आपको बता रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारियों ने दुकानदार से मारपीट की है, जिसका वीडियो श्योपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदार से अतिक्रमण हटाने के लिए मारपीट की गई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। श्योपुर से इस वक्त की खबर, जहां पर नगर पालिका की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं नगर पालिका के कर्मचारी, जहां पर दुकानदार से मारपीट कर रहे हैं। दुकानदार से अतिक्रमण हटाने के लिए ये मारपीट हुई है। श्योपुर से नितिन सिंह जुड़ गए हमारे साथ, फोन लाइन पर बात करेंगे नितिन से। नितिन, जिस तरह से ये जो गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने दुकानदार से मारपीट की है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला सुबह का है। चूंकि 8:30 बजे के आसपास नगर पालिका प्रशासन बड़ौदा रोड पर पुल दरवाजे पर पहुंचा था, अतिक्रमण को हटा रहा था जेसीबी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सुबह तक ऐसे वाकया नहीं था। हालांकि उसके बाद कुछ और दुकानों पर जब अतिक्रमण हटा नगर पालिका की टीम पहुंची, तो जेसीबी से टीम वगैरह को उनकी जो दुकान के टीन सेट लगाए हुए थे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान जो दुकानदार था वो उसका विरोध कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपसी विवाद मुंहवाद ज्यादा बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि नगर पालिका कर्मचारी झाड़ू और डंडों से हाथापाई कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। हालांकि हमने सीएमओ से बात करने की हमने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं सीएमओ इस बात का जवाब उल्टा देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे व्यक्ति को पहले मारा है, बल्कि वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ओल नगर पालिका कर्मचारियों ने उस व्यक्ति के साथ, दुकानदार के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो हम सभी के सामने है। हालांकि दोनों पार्टियों का जो मारापीटी का मामला है वो शांत हो चुका है, पुलिस थाने तक ये मामला नहीं पहुंचा है। जी नितिन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। जैसा कि आपको बताया हमारे सहयोगी ने, ये पूरा मामला अब शांत हो चुका है, दुकानदार से अतिक्रमण हटाने के लिए मारपीट की गई थी, नगर पालिका की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्योपुर से आपको दिखा रहे हैं।